नमस्कार, मसालों की दुनिया से आपको परिचित कराने वाले हमारे इस खास कार्यक्रम मसाला इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। दोस्तों, आज का हमारा ये अंक बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे मसालों की रानी की, एक ऐसे मसाले की जिसकी खुशबू की तो पूरी दुनिया ही दीवानी है। इसका व्यापक उपयोग खाद्य पदार्थों में खुशबू के लिए किया जाता है। ये माउथ फ्रेशनर भी है और भारतीय आयुर्वेद में भी इसके कई उपयोग बताए गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुशबूदार हरी इलायची की। It's a very important crop. ये भी भारत में विशेष रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र में उत्पन्न हुई है और ये एक बेहद महत्वपूर्ण फसल है जो विदेशियों के द्वारा विशेष रूप से मध्य पूर्व के देशों में इसकी बेहद खास सुगंध और अन्य गुणों के लिए काफी मांग है। इसलिए ICAR मुख्य रूप से इस फसल की पारिस्थितिक क्षमता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है क्योंकि ये बहुत संवेदनशील फसल है जो कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्षेत्र में अधिक है। इसीलिए हम मुख्य रूप से इस फसल की खेती के लिए स्थायी प्रथाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। Developing sustainable practices for the cultivation of this crop. इलायची का उपयोग प्राचीन काल से होता आया है। यूनानी और रोमन सभ्यता में तो इलायची का उपयोग इसकी सुगंध के लिए इत्र और सुगंधित तेलों में किया जाता था। इलायची मूल रूप से दक्षिणी भारत की पूरे विश्व को देन है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इलायची की खेती को बहुत बढ़ाया ताकि वो इसका व्यापार कर मुनाफा कमा सके। भारत आज भी इलायची उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। इलायची का कुल विश्व उत्पादन लगभग 35,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इसका उपयोग पिछले दो दशकों के दौरान बड़ी ही तेजी से बढ़ा है। इलायची उत्पादक देशों में भारत का नाम ग्वाटेमाला के बाद दूसरे नंबर पर आता है। भारत में इलायची का उत्पादन केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा किया जाता है। स्मॉल कार्डमम, इट इज ओरिजिनेटेड इन द छोटी इलायची की उत्पत्ति दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाटों के सदाबहार जंगलों में हुई है। जहां तक खेती का सवाल है, भारत में केरला दूसरे राज्यों में सबसे अग्रणी है। केरला मोस्ट ऑफ द कार्डमम कल्टीवेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द इडुक्की रीजन। इलायची दुनिया का तीसरा सबसे महंगा मसाला है जिसका इस्तेमाल मुख्यतः मसाले के रूप में किया जाता है। इसकी खुशबू की वजह से इसका इस्तेमाल मिठाइयों में भी किया जाता है। छोटी इलायची की कई किस्में हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इलायची की नई पौध को लगाने का सबसे उपयुक्त समय मानसून की शुरुआत के साथ जून जुलाई के दौरान होता है। निचले इलाकों में रोपण मानसून की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। इलायची की खेती के लिए मुख्य रूप से लाल दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसके अलावा उचित देखरेख कर और भी कई तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। इलायची की खेती के लिए जमीन का पीएच मान 5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। कार्डमम प्रिफर्स कोल्ड क्लाइमेट।
इलायची ठंडी जलवायु को पसंद करती है, इसीलिए आमतौर पर इसकी खेती 600 से लेकर 1200 औसत समुद्र तल में 15 से 35 डिग्री सेल्सियस और लगभग 2500 मिलीमीटर वर्षा में की जाती है। जनरली कम्स अप वेल इन फॉरेस्ट लॉम सॉइल्स विद अ पीएच रेंज ऑफ 5.5 टू 6.5। इलायची की खेती के लिए सामान्य तापमान की जरूरत होती है, लेकिन सर्दियों में न्यूनतम 10 डिग्री और गर्मियों में अधिकतम 35 डिग्री तापमान पर भी इलायची का पौधा अच्छे से विकसित होता है। इलायची की खेती के लिए शुरुआत में नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं। उसके बाद इन पौधों को बारिश के मौसम में जुलाई माह के दौरान खेतों में लगा दिया जाता है। इलायची के पौधे को छायादार जगह की ज्यादा आवश्यकता होती है। कार्डम इज प्रोपेगेटेड थ्रू टू वेज। इलायची को दो तरीकों से प्रचारित किया जाता है, एक वनस्पति प्रसार के माध्यम से और दूसरा बीजों के माध्यम से। बीज प्रसार भले ही आसान हो, लेकिन आमतौर पर परिवर्तनशीलता की वजह से इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए आमतौर पर इलायची को रोपण इकाइयों के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, जिसके द्वारा किसान 10 महीने के अंतराल में प्रतिवर्ष कम से कम 20 सर्वश्रेष्ठ रोपण इकाइयां बना सकते हैं। तो वनस्पति प्रचार में रोपण इकाइयों में पूरी तरह से विकसित और अंकुरित प्रकंद का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें नर्सरी में उगाया जाता है। नर्सरी प्रबंधन के लिए बीज आमतौर पर सितंबर के महीने के दौरान बोए जाते हैं और ये जल्द ही अंकुरित हो जाते हैं, जिसके बाद इनको ध्यान से उठाकर पॉलीबैग नर्सरी में ट्रांसप्लांट किया जाता है। आमतौर पर छोटी इलायची का रोपण बरसात के मौसम के दौरान किया जाता है। नए पौधों में हमें पेड़ों की मदद से छाया प्रदान करने की आवश्यकता होती है और इसे 40-60% छान कर आती हुई सूर्य की रोशनी चाहिए होती है। तो रोपण के लिए लगभग 60 सेंटीमीटर व्यास के गड्ढे खोद लिए जाते हैं और रोपण इकाइयों को विभिन्न स्थानों पर लगा दिया जाता है। सामान्य मालाबार प्रकार में नए पौधों को 2x2 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, इसीलिए ये प्रति हेक्टेयर लगभग 2500 से 3000 पौधों को प्रति एकड़ जमीन में समाहित कर सकता है। Malabar types, it is planted at the spacing of 2x2 meters, so it will be accommodating around 2,500 to 3,000 plants per hectare. नडना समय हम जून, जुलाई, अगस्त मासिंग लगाते हैं। इसके पौधे जून जुलाई के महीनों में लगाए जाते हैं। इसको 2x2 के गड्ढे में 1.5 फुट की गहराई पर लगाया जाता है। 11 महीने में इसकी एक फसल तैयार हो जाती है। ज्यादातर इसके स्टेम को लगाकर इसके पौधे को उपजाया जाता है। एक महीने के बाद इसके पौधों में कंपोस्ट डाला जाता है। क्या आपको पता है कि हरी इलायची के पौधे 10 से 12 साल तक पैदावार देते हैं? ऐसी ही कई और रोचक जानकारियों के साथ हम वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। इलायची के पौधे पर कुछ ही रोग देखने को मिलते हैं, जिस कारण इसकी पैदावार को काफी कम नुकसान पहुंचता है, जैसे कि पेड़ों की झुरमुट और फंगल रोग, सफेद मक्खी का रोग और ब्रिंग लार्वा रोग, जो कि एक कीट जनित रोग है। इलायची के पौधे को
फंगल रोग बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस रोग के लगने से पौधे की पत्तियां सिकुड़कर नष्ट हो जाती हैं। जनरली व्हाट वी कैन से दैट There are fungal diseases. मैं कह सकता हूं कि फफूंद जनित बीमारियों के साथ साथ वायरल रोग भी हैं जो इलायची के बागान में सामान्य रूप से फैलते हैं। इसीलिए पौधे की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहली चीज है बेहतर किस्मों का उपयोग। इसीलिए हमारे पास लगभग 15 किस्में हैं जो कि विभिन्न अनुसंधान संगठनों से जारी किए गए हैं, और इसके अलावा किसानों की भी किस्में हैं, जैसे कि अलानी गोल्ड और अन्य जैसे अपांगला आदि। बीमारियों के प्रबंधन में प्रकंद सड़न इलायची की प्रमुख बीमारी है, और अन्य वायरल रोग जैसे केटीन, ओके केंदु और ब्रायन कुछ अन्य बीमारियां हैं। इसीलिए हमें रोग को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन के दृष्टिकोण का एक एकीकृत तरीका अपनाना चाहिए। पहली बात यह है कि रोग को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ रोपण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ना फैले। इसीलिए स्वस्थ रोपण सामग्री और विश्वसनीय किस्मों का उपयोग इलायची के विभिन्न रोगों से निपटने में महत्वपूर्ण है। रसायनों का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जा सकता है। साथ ही स्वस्थ रोपण सामग्री के उपयोग से और पानी के ठहराव को रोकने और छाया प्रदान करने से बहुत हद तक बीमारियों से अपने आप बचा जा सकता है। जबकि सफेद मक्खी का रोग पौधे की वृद्धि को रोक देता है। इस रोग में कीट पौधे की पत्तियों पर आक्रमण करते हैं। पत्तियों के नीचे सफेद रंग की मक्खियां दिखाई देती हैं, जो पत्तियों का रस चूसकर उन्हें नष्ट कर देती हैं। इलायची के पौधे पर लगने वाला बिग लार्वा का रोग एक कीट जनित रोग है। इस रोग का कीड़ा पौधे के नर्म भागों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देता है। इलायची के पौधे आमतौर पर रोपण के 2 साल बाद पैदावार देना शुरू करते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में इलायची को काटने का सबसे बढ़िया समय अक्टूबर नवंबर के दौरान होता है। इलायची के बीज की कटाई उसके पूरी तरह से पकने से कुछ पहले होती है। इलायची की तुड़ाई 15 से 20 दिनों के अंतराल पर की जाती है, ताकि इलायची का अधिकतम हरा रंग प्राप्त किया जा सके। इलायची की तुड़ाई के बाद इसको साफ करके सुखाया जाता है। कटाई के बाद इलायची को या तो ईंधन भट्टा या बिजली के ड्रायर में या फिर धूप में सुखाया जाता है। सुखाने के लिए रखी गई इलायची को समान रूप से सुखाने के लिए समय समय पर हिलाया जाता है। सूखने के बाद इलायची की एक बार फिर सफाई की जाती है, और फिर आकार और रंग के अनुसार छांट लिया जाता है और भंडारण के लिए भेज दिया जाता है। Generally, the cardamom get matures about 120 to 130 days. इलायची के रोपण के 120 से 130 दिन बाद और इलायची के कैप्सूल की परिपक्वता पर इसकी कटाई की जाती है। इसे 2 तरीकों से संसाधित किया जाता है। इसको धूप में भी सुखाया जा सकता है, जिसे सन ड्राइंग कहते हैं, और दूसरा मशीनों के द्वारा सुखाया जाता है। सूरज की रोशनी से इलायची को सुखाने के तरीके को आमतौर पर हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि इलायची की गुणवत्ता या फिर यूं कहें कि प्रसंस्कृत इलायची की गुणवत्ता आमतौर पर रंग और उसके आकार और अशुद्धियों की उपस्थिति पर आधारित होती है। इसीलिए धूप में सुखाने के दौरान इलायची के कैप्सूल में थोड़ा सा पीलापन आ जाता है, जो कि बाजार में पसंद नहीं किया जाता। और कृत्रिम रूप से सुखाने के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं मौजूद हैं, जैसे कि लकड़ी पर आधारित या एलपीजी पर आधारित मशीनें उपलब्ध हैं, जो एक गुणवत्ता का उत्पादन दे सकती हैं। एलपीजी बेस्ड केरोसिन बेस्ड किल्स आर अवेलेबल व्हिच कैन गिव ए क्वालिटी प्रोड्यूस। सूखने के बाद इलायची को मंडी में इसके आकार और रंगत के हिसाब से बेच दिया जाता है। भारत में उत्पादित 95% इलायची घरेलू बाजार में ही उपयोग की जाती है।
हेक्टेयर फसल से सूखी हुई इलायची की पैदावार लगभग 130 से 150 किलो के आसपास हो जाती है, जबकि इसका बाजार भाव 5000 रुपए प्रति किलो के आसपास ही होता है। भारत इलायची का निर्यात मुख्यतः यूनाइटेड किंगडम, अरब, जर्मनी, जापान, टर्की और मिस्र को करता है। इसके एक एकड़ से करीब 6 लाख रुपए तक का दाम मिल जाता है, जबकि इसकी लागत 2 से 3 लाख रुपए तक होती है। इसके अलावा स्पाइस बोर्ड से 120 रुपए प्रति पौधा सब्सिडी भी मिलती है। इलायची भारत के सदाबहार जंगलों की देन है। इस मसाले का उपयोग आमतौर पर भारतीय व्यंजनों में किया जाता है, लेकिन कई विशेष गुणों के कारण आयुर्वेद में भी इसे बहुत महत्व दिया जाता है। इलायची मुंह के छालों, पाचन समस्याओं और यहाँ तक कि अवसाद के उपचार में भी बेहद प्रभावशाली है। चलिए जानते हैं इलायची खाने के फायदों के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार इलायची के इस्तेमाल से वात, श्वास, खांसी, बवासीर, क्षय, वस्तु पित्त जनित रोग, पथरी, सुजाक और खुजली जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। इलायची का सेवन पाचन समस्याओं में मदद करता है। इलायची किडनीज को साफ कर शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है। ये शक्तिशाली मूत्रवर्धक है, जो कि मूत्रपथ, मूत्राशय और गुर्दे को साफ करने में मदद करती है। इलायची का सेवन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सर्दी और जुकाम के लक्षणों को कम करने में सहायक होता है इलायची का सेवन। इलायची का उपयोग ब्रोंकाइटिस और खांसी के लिए भी किया जाता है। इलायची रक्त के थक्कों को बनने से रोकती है। इलायची प्लेटलेट एकत्रीकरण को रोकने और फिर धमनी की दीवारों से चिपक कर खतरनाक रक्त के थक्कों को बनने से रोकती है। छोटी इलायची जो है, ये भी इसका जो पौधा है वो 4 से 5 फुट का होता है। ये भी गुच्छों के रूप में होती है। ये भी प्रायः दक्षिण में और इस असम वाला साइड में, नॉर्थ ईस्ट में उसका उत्पत्ति होती है और बहुत ही मधुर होती है। इसके सुगंध बहुत अच्छी होती है। इसका उपयोग जैसे मुंह के छालों में, खांसी में, कार श्वास में, इसका चूर्ण पीस के हम तबाशीर वंशलोचन के साथ भी देते हैं बच्चों को जो हड्डी मजबूत करने के लिए दिया जाता है। खांसी बलगम कफ हो जाए तब उसमें दिया जाता है। उल्टी वमन होती है तब इसका सुरस देते हैं। दंत चूल में इसका हम लौंग के साथ पीस के, लौंग और छोटी इलायची को पीस के दांत में दर्द होता है तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो छोटी इलायची के विभिन्न है और मुख की दुर्गंध के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। दूध में थोड़ी इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है तो उसको दूध में डाल के भी पिया जाता है और इसका बड़ा अच्छा स्वाद भी होता है। और आम तौर में घरों में छोटी इलायची का इस्तेमाल बहुत अच्छा है और इसको हम अपने दूध में उबाल के भी पीते हैं, हलवे में भी डालते हैं, खीर में भी डाल लेते हैं। मतलब घर की जो हमारे किचन का जो हमारा सामान बनता है उसमें भी हम छोटी इलायची का उपयोग करते हैं। और छोटी इलायची के हृदय है, हार्ट के लिए अच्छी है, ठंडी होती है, तासीर है, पेट की जलन के लिए एंटी एसिड भी है और औषधि के रूप में भी इसका विशेष इस्तेमाल है। बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। चलिए अब चलते हैं हमारे शेफ के पास और देखते हैं कि इलायची से बनने वाली कौन सी खास डिश आज वो बना रहे हैं। छोटी इलायची जो हमने डिश बनाई है वो है रिजोटो। खीर बनाई है हमने, रिजोटो खीर दैट हैज़ मोर ऑफ इलायची फ्लेवर, जिसके हमने गार्निश किया है टोस्टेड आलमंड फ्लेक से और पिस्ताचो से। अभी हमने इसमें क्या ट्विस्ट दिया है, हमने इसमें रेगुलर राइस यूज़ नहीं किए,
जो कि जनरली हम करते हैं, हमने रिजोटो राइस यूज़ किया है। रिजोटो जो है एक इटालियन राइस होता है, उसको हमने पहले सोक किया, सोक करने के बाद उसको 3-4 घंटे हमने सोक करने के बाद उसको एज अ सेम प्रोसीजर जैसे हम खीर बनाते हैं सेम हमने उसी तरह से उसको कुक किया। आखिरी में हमने उसमें कंडेंस्ड मिल्क डाला, शुगर डाली। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वो है रिजोटो राइस खीर, जिसमें हम यूज़ करेंगे ग्रीन इलायची जो कि हमारा मेन स्पाइस रहेगा इसके अंदर। ये एक होल इलायची है जिसको हम यूज़ करेंगे रिजोटो राइस खीर में। जनरली जब भी हम खीर बनाते हैं हम रेगुलर राइस यूज़ करते हैं, बट हमने थोड़ा सा अपने डिश को ट्विस्ट दिया है जिसमें हमने रिजोटो राइस यूज़ किया है। रिजोटो इज़ द इटालियन राइस जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है सुपरमार्केट में। इसका दाना थोड़ा सा मोटा रहता है इन कंपैरेटिवली जो हमारे रेगुलर राइस होते हैं। रिजोटो राइस खीर के लिए हम जो हमें सामान चाहिए वो है दूध। आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप फुल फैट मिल्क यूज़ करें एंड देन रिजोटो राइस जिसको मैंने सोक किया था लगभग 2-3 घंटे रेगुलर वाटर में, शुगर, कंडेंस्ड मिल्क, इलायची जो कि हमारा मेन की इंग्रेडिएंट रहेगा डिश में, ग्रेटेड कोकोनट, इलायची पाउडर है, टोस्टेड आलमंड फ्लेक्स एंड पिस्ताचियो जिसको हम गार्निश में यूज़ करेंगे। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम ऐड करेंगे मिल्क। डालेंगे रिजोटो राइस। रिजोटो राइस बहुत इजीली अवेलेबल है सुपरमार्केट में, इट्स इटालियन राइस और इसका जो दाना रहता है थोड़ा सा मोटा रहता है इन कंपैरेटिवली हमारे रेगुलर राइस के। हमारा मिल्क बॉयल हो चुका है, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड रिजोटो राइस। प्लीज नोट जो कि रिजोटो राइस मैंने ऐड किए हैं वो मैंने 3-4 घंटे सोक करके रखे हैं। राइस और मिल्क होने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा मेन स्पाइस जो कि है ग्रीन कार्डमम। हमने इसको देखिए पाउडर करके पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है। हम ऐड करेंगे मिल्क में। अब अगर आपके कोकोनट फ्लेक्स का साइज अगर थोड़ा सा चंकी है तो आप पहले ऐड कर सकते हैं और एल्स लास्ट में आप डाल सकते हैं। हमने काफ़ी पतले फ्लेक्स निकाले हैं इसके। यू कैन ऑल्सो ऐड कैश्यू नट्स, रेजिन, आलमंड, बट हमने क्या किया है हम गार्निश करेंगे अपनी खीर को आलमंड फ्लेक्स के साथ। मैं इसको अपने खीर को टॉप करूंगा, इसको गार्निश करूंगा खीर को। खीर बिल्कुल रेडी है हमारी, तो बोले तो रिजोटो राइस खीर हमारी बिल्कुल रेडी है एंड आई थिंक इट्स टाइम टू सर्व नाउ। छोटी इलायची आई थिंक वो एक ऐसा स्पाइस है जो हम हर जगह यूज़ करते हैं। छोटी इलायची हम डेजर्ट्स में भी डालते हैं, छोटी इलायची हम अपने खाने में भी डालते हैं, शाम की चाय हो या सवेरे की चाय हम उसमें भी यूज़ करते हैं। एंड देन बेनिफिट्स बहुत हैं इलायची के, स्पेशली अभी जो टफ टाइम चल रहा है पैंडमिक का, अगेन लोग अपनी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए इलायची को भी यूज़ कर रहे हैं।
बट मेन आई लव यूजिंग छोटी इलायची इन स्पेशली डेजर्ट्स. डेजर्ट में जो वो फ्लेवर्स को एनहेंस करती है वो उसका लेवल ही अलग होता है. तो देखा आपने कैसे भारत से निकलकर इलायची आज पूरी दुनिया पर छा गई है. इसके बिना कोई मिठाई बन ही नहीं सकती. इसकी खुशबू और इसके गुणों की वजह से न सिर्फ मसाले के तौर पर बल्कि एक औषधि के तौर पर भी इलायची का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है. इलायची वाली कॉफी अरब देशों में मेहमानों के लिए एक सम्मान का प्रतीक है. अपने इन्हीं सब गुणों के कारण इलायची को मसालों की रानी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. आज मसाला इंडिया में बस इतना ही. अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे एक और मसाले के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.